राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग नूरपुर के सौजन्य से नूरपुर में खंड स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता SDM नूरपुर डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने की। इस मौके पर SDM ठाकुर ने कहा कि सरकार का मिशन है कि वो 2022 तक बच्चों, महिलाओं, किशोरियों में अनीमिया, कुपोषण और नौनिहालों में स्टीनिंग के मामलों में हर वर्ष 2% की कमी लाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत लोगों को 0 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनमें खून की कमी, दिव्यंगता व स्वास्थ्य की संपूर्ण देखभाल, भोजन, लड़कियों की शिक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं की इस अवधि में स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाने व सेहत संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी उपलब्ध करवाना रहेगा। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं को 70 दिन की बजाय 30 दिन के भीतर पंजीकरण सुनिश्चित करने को भी कहा है, जिससे इन महिलाओं का 100% पंजीकरण सुनिश्चित हो सके। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल के दत्तनगर स्थित उद्यान विभाग के खुम्ब प्रशिक्षण केंद्र में प्राकृतिक खेती बारे शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रामपुर, ननखड़ी, कुमार सेन व आसपास के इलाकों से आए किसानों ने भाग लिया। किसान बागवान विकास संघ रामपुर ननखड़ी के सौजन्य से आयोजित इस शिविर में कृषि विभाग के सुभाष पार्लेकर, शून्य लागत प्राकृतिक खेती इकाई व अन्य संस्थाओं के विशेषज्ञों ने किसानों को जानकारी मुहैया करवाई। इस दौरान लोगों को जीवा अमृत और धन जीवा अमृत खाद बनाने और उपयोग की विधि भी बताएगी। विषय से जुड़े लोगों ने विभिन्न कीट एवं पतंगों को रोकने के लिए जैविक छिड़काव बनाने की विधि भी बताएगी। उन्होंने कहा कि इससे भूमि की उर्वरक शक्ति और मित्र कीट नष्ट नहीं होंगे। किसान बागवान विकास संघ रामपुर ननखड़ी के अध्यक्ष ब्रिजलाल ने बताया कि इस शिविर में समूचे इलाके के किसानों, बागवानों को प्राकृतिक खेती कैसे की जाए, इस पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। जिस तरह से हम कीटनाशकों का इस्तेमाल कर फसलों को जहरीले बना रहे हैं, उससे कैसे बचाना है, किसानों को ये भी बताया गया। किसानों को बताया गया कि जैव खेती के लिए छिड़काव कैसे किया जाए और कब कब किया जाए। सोलन में महान भारतीय इंजीनियर भारत रत्न एवं विश्ववर्य के याद में इंजीनियर डे धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में ADM विवेक चंदेल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और SDM रोहित राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड और IPH विभाग के इंजीनियर ने इस दिवस पर महान इंजीनियर विश्ववर्य की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए रास्ते पर चलने की शपथ दी। इंजीनियर ने अपने कार्यों को किस तरह से बेहतर किया जा सके, इसके बारे में विचार भी विमर्श किए गए। अधिक जानकारी देते हुए उपस्थित डिप्टी चीफ इंजीनियर सुदेश कुमार जैन ने बताया कि आज भी महान भारतीय इंजीनियर भारत रत्न सर एम विश्वर्य की याद में आज अभियंता दिवस मनाया गया। उन्होंने कहा कि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति बेहद विषम है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां उत्तम तकनीक का उपयोग कर सभी बाधाओं को पार कर विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास में इंजीनियर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जिस पर सभी इंजीनियर को बेहद गर्व है। बागघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने धूमधाम के साथ अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष राजीव बिंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप, खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान बैंक की नींव रखने वाले सदस्यों और उनके परिवारों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजीव बिंदल ने
वाघाट बैंक के पदाधिकारियों को गोल्डन जुबली की मुबारकबाद दी और कहा कि बैंक एक छोटे से कमरे से आरंभ किया गया था और आज न केवल सोलन में बल्कि अन्य जिलों में भी बैंक अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने बताया कि सहकारी बैंकों में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन उसके बावजूद बैंक निरंतर विकास करता रहा और सफलता की ऊंचाइयों को छू रहा है, जो कि काबिले तारीफ है।